हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। अभी 4 बजा है तो मैं आपको आज ले आया हूँ मधुसूदन पार्क इन भुवनेश्वर। ये ख़ास पार्क है, तो 2 किलोमीटर एरिया में ये फैला हुआ है। तो मेरे साथ देखिए ये पार्क, बच्चे लोग खेल रहे हैं और आपको ये इस पार्क को पूरा दिखाऊंगा। तो मेरे साथ बने रहे और देखें ये सुंदर सा गार्डन और पार्क का रूप में दिया गया। तो बहुत खास जगह पर है ये भुवनेश्वर का। तो मेरे साथ आप बने रहे और पूरे ये गार्डन को देखा करें। उड़ीसा के स्वाभिमान मधुसूदन दास, जिन्होंने उड़ीसा प्रांत बनाने के अपने मुख्य भूमिका अदा की थी, उन्हीं की याद में ये पार्क बनाया गया है। मधुसूदन दास उड़ीसा के पहले ग्रेजुएट और पहले वकील थे। इस पार्क को भुवनेश्वर का बेस्ट पार्क में माना जाता है। ये पार्क सुबह 4 बजे से दिन 11 बजे तक और संध्या 4 बजे से रात्रि के 9 बजे तक खुला रहता है। इस पार्क में कोई एंट्री और पार्किंग चार्ज नहीं लगता है। ये पार्क सभी वर्गों के लिए है। ये पार्क का उद्घाटन उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक द्वारा 1 सितंबर 2009 को किया गया था। ये पार्क को BD यानी भुवनेश्वर डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा मेंटेनेंस किया जाता है। इस पार्क में जगह जगह पत्थर की मूर्तियां से भी सजाया गया है, जो देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। पार्क में जगह जगह रेन शेल्टर भी बनाए गए हैं। इस पार्क में बच्चों को खेलने के लिए चिल्ड्रन पार्क भी है, जिससे बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं। यह एक ओपन जिम भी है, जिसमें ट्रेनर द्वारा गाइड किया जाता है।
योगा प्लेटफॉर्म भी बनाया गया है, तो आप यहाँ योगा भी कर सकते हैं। इस पार्क में बायो टॉयलेट, इस गार्डन में स्केटिंग ट्रैक भी है, जहां बच्चे स्केटिंग ट्रेनेड ट्रेनर द्वारा सिखाया जाता है। संध्या होने पर इस पार्क की लाइटिंग व्यवस्था लोगों को बहुत ज़्यादा आकर्षित करती है। तो आज का ब्लॉग यहीं तक था। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।